जी आप कैसे गए थे, थोड़ा बताइए कब कैसे। मैं हूँ इंडियन, मेरी शादी उधर हुई है। अब मैं अपने अब्बू को मिल अब्बू का अफसोस करने जा रही हूँ, अब्बू की डेथ हो गई है और बहन भाइयों से मिलने जा रही हूँ। तो आप पहले क्यों नहीं, अब्बू के फौत जब हुए थे कितनी देर हुई उनके फौत में? 4 महीने हो गए, वीज़ा अप्लाई किया हुआ था तो लिस्ट में नाम नहीं आया था भाई लिस्ट। तो क्यों, किस वजह से? कोरोना, कोरोना की वजह से जी, लॉकडाउन लगा। जी जी, लॉकडाउन की वजह से। अब आ रहे हो, कैसा लग रहा है? अब खुश है, खुशी भी है गमी भी है बस। जी मेरा नाम फुरकान हाशमी है, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और वी आर थैंकफुल टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कि फाइन इवेंचुअली इन्होंने बॉर्डर यहाँ पे खोला। लेकिन हम चाहते हैं कि कश्मीरी स्टूडेंट जो कि ज़्यादा स्टडी पाकिस्तान में करते हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम महीने में 2 दफ़ा बॉर्डर खोला जाए ताकि जो स्टूडेंट्स के लिए जो सहूलियात पैदा हो। सो वी आर इवेंचुअली वी आर थैंकफुल टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कि एक दफ़ा खोल देते हैं, लेकिन वी एक्सपेक्ट कि 2 दफ़ा कम से कम एक महीने में खोलें। क्या कारण क्या था इस बार वीज़ा लेट क्यों, कोरोना के कारण? ड्यू टू कोरोना, क्योंकि अभी कह रहे हैं सेकंड वेव आ रही है और आ भी चुकी है। सो वी वांट के टेस्ट बिल्कुल एसओपीज फॉलो करके अगर हमें छोड़ा जाए, टेस्ट जिनके नेगेटिव आ जाए तो उनको कम से कम एलो करें। तो बाकी बस और क्या कह सकते हैं। मेरा नाम ए सी अरुण माल है जी, मैं एज ए प्रोटोकॉल वाघा बॉर्डर इतने पोस्टड हूँ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰੋਦਈ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਜ਼ ਪਰ ਲਿਸਟ 114 ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਥਾਰੋਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਟ ਦਾ ਸਪੋਟ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਫਟਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।